राजस्थान के बारा शाहबाद कस्बा थाना में कोरोना काल के 2 साल बाद कस्बे में जल झूलनी एकादशी पर प्रसिद्ध देव विमान की ढोल शोभा यात्रा समाज सेवी नरेश जैन, सुरेंद्र गोयल, पूर्व सरपंच राकेश शर्मा होडी, उप सरपंच विजय माली के नेतृत्व में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से निकाली गई। इससे पहले डूंगरपुर व झांसी से आए कलाकारों ने अपने भजनों पर भक्तों को मनमोहित किया। साथ ही लोक नृत्य लहगी का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में 7 देव विमान शामिल हुए। सभी विमानों को श्री राम रंगमंच पर एकत्रित किया गया। यहां से पूजा अर्चना के साथ ढोल शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। साथ ही ड्रान से पुष्प वर्षा की शोभा यात्रा भांगड़े, डीजे, बैंड व कीर्तन मंडलियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। देव विमान बड़े धूमधाम से सदर बाजार से निकलते हुए पलको नदी के तट पर पहुंचकर यहां जलवा पूजन किया गया। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बलरामपुर के विकास खंड श्री दत्तगंज के अंतर्गत पौराणिक श्री सोमनाथ मंदिर पर परंपरागत जी श्री गणेश पूजन महोत्सव का श्री गणेश पूजन समिति के तत्वावधान में बड़े ही धूमधाम से भगवान गणेश जी का विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंदिर महंत जितेंद्र वन, प्रबंधक राजेश कुमार, अध्यक्ष रमेश कौशल, उपाध्यक्ष रामजी जायसवाल, कोषाध्यक्ष जसवंत, महामंत्री अमित जायसवाल, संतोष जायसवाल, दीनदयाल जायसवाल, महेश गुप्ता, भोलेनाथ मोदनवाल, आनंद गुप्ता, संतोष मोदनवाल आदि कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण सहित हजारों की संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य शाखा की तुलसीपुर इकाई के द्वारा वर्ष 2022 में नवम स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को प्रातः 10 बजे से स्थानीय संयुक्त चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया गया। इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश की सबसे युवा जनपद बलरामपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम मनोहर तिवारी, राम कृपाल शुक्ला की उपस्थित उल्लेखनीय रही। शिविर के आयोजक जनपद बलरामपुर की प्रसिद्ध व लोकप्रिय स्वैच्छिक रक्तदानी व इकाई के चेयरमैन आलोक अग्रवाल ने अपना 25वां रक्तदान किया। इकाई सचिव संदीप उपाध्याय ने बताया कि जनपद बलरामपुर से विगत 5 वर्षों से आलोक अग्रवाल के द्वारा लगातार रक्तदान मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और रक्तदान शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ये
आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बरेली में एसीएम प्रथम की अर्दली के भाई 3 दिन से लापता थे। थाना क्यूलडिया में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम करा दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। होरी लाल पुत्र लोचल रंग गांव सरकंडा थाना फरीदपुर का रहने वाला है। उसका भाई मोर सिंह एसीएम प्रथम का अर्दली है। बताते हैं कि उनका भाई 40 वर्षीय होरी लाल पुत्र लोचन राम हरिद्वार में बाबा रामदेव के अस्पताल में इलाज कराने अपने साले वीरपाल के साथ गए थे और 5 सितंबर को सुबह 5 बजे वापस आ गए थे और घर ना आकर सीधे ससुराल अटंगा चांदपुर पहुंच गए थे। कुछ देर ठहरने के बाद 5 सितंबर के दिन 1 बजे को वहां से अपने घर के लिए चल दिए और रास्ते से ही गायब हो गए। उनकी लाश थाना इज्जत नगर क्षेत्र में मिली। पुलिस ने अज्ञात में शव का पोस्टमार्टम कराया। उसके भाई मोर सिंह का आरोप है कि वायरलेस द्वारा संदेश दिया गया था। उसका भाई लापता है, तलाश किया जाए। थाना में गुमशुदगी भी लिखवाई थी लेकिन पुलिस ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और उनका आरोप है कि उसके भाई की हत्या की गई है। उसकी पत्नी भानवती और 4 बच्चे हैं। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोर सिंह है। क्या करते हैं? मैं एसीएम फर्स्ट कर्दली हूँ, उसमें बरेली में तैनात हूँ। मेरा छोटा सगा भाई था, हम 5 भाइयों में सबसे 5वां नंबर था छोटे भाई। मेरा प्यारा भाई था, लाडला था। आज मेरे भाई ने मुझे छोड़ के चला गया और कई दिन से लापता था वहाँ से अटंगा चांदपुरी तरफ से, और किसी ने जासूस करके मेरे भाई को किडनैप कर लिया। जिस पे शक है भाई मैं खोल नहीं सकता हूँ, जिस पे शक है और मुझे शक है कौन है इसमें बार बार। हाँ, हत्या की गई है, ये पक्का वादा है, मैं कसम खाता हूँ। ये हत्या मेरे भाई के साथ की गई है। एक्सीडेंट होता तो मुझे सूचना मिलती, मैं एक प्रशासन में बैठा हूँ और सूचना मिलती मैं तुरंत पहुँचता अपने जिले के अंदर। बाड़ी मेरे को लाश घर पर मिली है। पुलिस ने कहा तुम्हारे लाश घर बाड़ी है, पुलिस बता रहे लालपुर से हम बाड़ी लेके आए। पुलिस ने नहीं बताया तुम्हारे भाई की लाश वहाँ। मैं 3 दिन से टेलीफोन कर रहा हूँ, चार्ली को फोन कर रहा हूँ, डेल्टा को फोन कर रहा हूँ, मेरा भाई गुमशुदा है। और किसी पुलिस ने किसी ने मुझे सूचना नहीं दी तुम्हारा भाई उस जगह पर पड़ा हुआ है। वहाँ से पुलिस क्यों पुलिस लाए के उठा के मेरे सामने पुलिस उठा के लाती तो मैं समझता कि एक्सीडेंट हुआ है कि मर्डर हुआ है। ये सब साठ घाट से हुआ है, मेरे भाई का मर्डर हुआ है। कौन सा थाना क्षेत्र है? लाश मिली कौन सा थाना क्षेत्र है? ये थाना इज्जत नगर। रहने वाले कहाँ के थे? हम रहने वाले ग्राम सरकड़ा के। कहाँ गए थे? ये ससुराल गए थे अपने, ससुराल हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से अपने साले के इलाज करके वापसी लौट रहे थे। आपको आज पता लगा? हमको आज पता लगा, हम 3 दिन से हमकी तलाश कर रहे थे। हम 3 दिन से हम फोनबाजी कर रहे हैं और उसको सर्विलांस को फ़ोन भी लगवाया हमने। अब सर्विलांस से एक बार 1 सेकंड इनका फ़ोन खुला था कल के दिन और फिर वो बंद हो गया। हाँ, 5 तारीख से लापता थे। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बरेली के किला स्थित जामा मस्जिद में बुधवार को सुबह फजर की नमाज अदा करने नमाजी पहुंची तो मस्जिद की दीवार पर जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी करने के
संबंध में एक पत्र चिपका देखकर शहदत फैल गई। थोड़ी ही देर में यह चर्चा मोहल्ले में फैल गई। आसपास के लोग मस्जिद के पास जमा होने लगे। इंतजामिया कमेटी के प्रबंधक डॉक्टर नफीस खान भी इंतजामिया कमेटी के साथ जामा मस्जिद पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि इंतजामिया कमेटी ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को इस धमकी के संबंध में अवगत कराया, जिस पर आईएमसी प्रमुख ने पुलिस के आला अधिकारी से बात कर इस धमकी भरे पत्र की शीघ्र जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही। इस संबंध में डॉक्टर नफीस खान ने थाना किला में तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आश्वासन दिया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपील जारी करते हुए कहा कि शांति बनाए रखें, पुलिस जाँच कर रही है। उम्मीद है मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम को मारने की धमकी देकर शहादत का माहौल पैदा करने वाले गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए, हमें सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई इस तरह का पोस्टर छपा है जिससे कि विभिन्न समुदायों के मध्य में धार्मिक भावना हो सकती है। हमने उसका संज्ञान लेते हुए उस मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। CCTV दिखवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। मेरा नाम डॉक्टर नबील, सेक्रेटरी जामा मस्जिद फैला बनेगी। सर, ये क्या मामला है? मस्जिद पे बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और पोस्टर छपा है। कि मामला क्या है कि भाई देखा तो नहीं किसी को। आज जब सुबह लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को चले गए, जब दिन निकला कुछ लोगों ने देखा वहाँ पर एक इश्तिहार टाइप का लगा हुआ था जिसमें लिखा है कि जामा मस्जिद को किसी भी जुमे में बम से उड़ा देंगे और शहर इमाम के हम गोली मार देंगे। और जब ये देखा तो लोगों ने मुझे टेलीफोन पर सूचना की, मैं आया, मैंने देखा तो वाकई तो मैंने इस वक्त किला को टेलीफोन करा, उन्होंने जांच के लिए छोड़ भेजा। वो टेंशन छुटा के ले गए, FIR भी दर्ज करी, हमने तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज हो गया उसके ऊपर। और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई भी शख्स तो अगर आसपास का है तो वो आन के माफी तलाफी कर ले शहर इमाम साहब से, और नहीं तो पुलिस तो ढूंढी निकालेगी। बरेली शहर क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा, बच नहीं सकता है। बहरहाल मैं अभी अपने तमाम नौजवानों से, अपने दोस्तों से और अपने कमेटी वालों से तो यही गुजारिश कि प्यार मोहब्बत हम लोग बरकरार रखें। जिसने अगर गलती की है तो इंशाल्लाह उसको सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल, बच नहीं सकता। क्योंकि यह मामला मौलाना तौकीर साहब के संज्ञान में आ गया, उन्होंने हाई अथॉरिटी से बात करी है। अगर कल तक कुछ नहीं होता तो जुमे की नमाज शायद मौलाना खुद यहाँ पढ़े आके, और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो आपको बताएगा। सर, ये मामला किस समुदाय से जुड़ा हो सकता है? तो अभी किसके जब देखा ही नहीं तो हम कैसे किसी का नाम ले दें, है ना भाई? अब भाई हालात तो बड़े नासाजगार हैं, मगर फिर भी हम यही कहते हैं अमन अमान बरकरार रहे और हमारे प्रभारी निरीक्षक थाना कला इसमें पूजी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्रेस आउट हो जाएगा कि किसने किया। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। बुलंदशहर में पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव सोही में राशन वितरण करते समय ग्राम प्रधान ने राशन डीलर पति पर जानलेवा हमला किया। राशन डीलर के सिर में गंभीर चोट आई है। ग्राम प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए राशन डीलर का सिर फोड़ दिया है। राशन डीलर द्वारा थाना पहासू पुलिस में की गई शिकायत, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। राशन डीलर ने ग्राम प्रधान पर दबंगई का लगाया आरोप। ग्राम प्रधान ने राशन वितरण करने वाली मशीन को तोड़ा, तहसीलदार और सप्लाई इंस्पेक्टर से की शिकायत। तहसीलदार ने जांच कर कार्यवाही का दिया आश्वासन। उधर इस मामले पर कार्यवाही न होने पर राशन विक्रेता कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के शिकारपुर तहसील सचिव सुमित त्यागी ने कहा कि इस मामले में 24 घंटे में कार्यवाही नहीं हुई तो राशन
वितरण बंद कर आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम सुमित त्यागी है। त्यागी जी, आप लोग ये राशन डीलर हैं वहाँ के सोही के, उनके साथ आए, इनके साथ कोई घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? ये ग्राम प्रधान ने आके इनके साथ में जो है वितरण के समय मारपीट करी है, और जो इनकी घरवाली हैं, ये मैं राशन डीलर हैं, ये उस समय पे वितरण कर रही थी, और ये इनके पति हैं, ये भी बैठे हुए थे। ग्राम प्रधान 5-7 आदमियों को लेके आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। क्या अभी तक कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई? FIR कर दी गई है, लेकिन पुलिस पूर्ण तरीका से कार्रवाई नहीं कर रही है, और यदि कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम जो है आंदोलन करेंगे और अपना वितरण से जो है वितरण को स्थगित करेंगे। तो अभी नहीं करेंगे। अभी आप लोग यहाँ तहसील में आए हैं, किसी अधिकारी से मिले हैं इस प्रकरण को लेकर? हाँ, हम तहसीलदार साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें कहा है कि हम आपकी जो है पूर्ण तरीका से इसमें मदद करेंगे। जितपाल सिंह नाम है, मैं गांव सोई का रहने वाला हूँ, गांव सोई ब्लॉक जी। क्या घटना हुई? 30 तारीख से मैंने वितरण शुरू किया, मशीन में सर्वर की प्रॉब्लम थी, सर्वर की वजह से वितरण नहीं हो पा रहा था, और पूरे उत्तर प्रदेश में दिक्कत थी, और 1 तारीख को मशीन पूरे उत्तर प्रदेश में बंद भी रही। उस दिन भी प्रधान जी ने जोर दिया कि मशीन चलाई जाए, और दूसरे दिन 2 तारीख में जब वितरण हुआ कुछ ही कार्ड चढ़ पाए, फिर 3 तारीख में जब वितरण में कर रहा था तो प्रधान जी आए कुछ लोगों के साथ और बोले कि मशीन नहीं चल रही है तो बिना मशीन के वितरण किया जाए। क्या वारदात हुई है फिर? तो उसके बाद जब मैंने बोला कि मशीन के बिना वितरण नहीं होगा, तो वहाँ प्रधान जी के जो साथ आए लोग उनको उकसाया, और उसने मेरे पीछे से सर पर वार किया, लोहे की राड वगैरह, और मैं बेहोशी की हालत में गिर गया, और मैंने FIR भी कराई है डॉक्टर करा के, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये राशन डीलर आपकी पत्नी है? हाँ। क्या घटना हुई थी आपके इनके पति के साथ? रात मार रही थी और आ गए थे, कोई बीच में आकर डंडा मार दिया। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक? कुछ नहीं कर रही। आप लोग यहाँ शिकारपुर तहसील में आए, एडीएम साहब से मिलने आए हैं, तो अभी मिले या नहीं मिले? तहसीलदार साहब को अभी तहरीर दी है इसी विषय में। दी है, क्या आश्वासन मिला तहसीलदार साहब? बोला है कि कार्रवाई होगी, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और मशीन की भी भरपाई की जाएगी, तो उस मशीन को भी तोड़ा है उन लोगों ने। बरेली में एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने पर उसकी मां द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने के बाद कोर्ट के आदेश से 2.5 माह बाद उसकी लाश कब्र से निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। थाना बारादरी एजाज नगर गोटिया की रहने वाली रोशनी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल कदीर LLB की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ शहाना ने बताया कि रोशनी का रिहान नाम के युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था और दोनों के संबंध भी बन गए थे। रोशनी की मां का आरोप है कि रिहान उसकी बेटी का शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो 14 जून को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बस्ती बालों के दबाव में आकर जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार एजाज नगर गोटिया के नए कब्रिस्तान में कर दिया गया था, लेकिन उसकी माँ चुप नहीं बैठी। उसने थाना बारादरी में भी इसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की। रोशनी की मां ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर आज बारादरी पुलिस ने 2.5 महीने के बाद उसकी लाश को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक रोशनी के पिता का इंतकाल हो चुका था, एक छोटा भाई और माँ के साथ रहती थी। वह इंटर पास थी और LLB की तैयारी कर रही थी। मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगाया जा सकेगा। रोशनी की मां का आरोप है रिहान, जुनैद, जावेद और नाजिम, इन तीनों ने बेटी का गला दबाकर हत्या की है।
बेटे की हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न्यायालय में उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपको? जी मेरा नाम शाहना है। कैसे आपकी बेटी हत्या कर दी, क्या मामला था? मेरी बेटी का रेहान से टक्कर वादी थी प्यार मोहब्बत की, और शादी के लिए वो कर रहे थे लेकिन शादी के लिए उसने मना कर दिया। मैं उनके घर पे जब ये मुझे बात पता चली कि उसने मोबाइल दे रखा है, उसके घर पे गई मैं, उनके ताऊ के घर पे गई, उसके घर पे गई, उन्होंने मुझे बेइज्जत कर करके भगा दिया, शादी के लिए राजी नहीं हुए। और फिर मुझसे कहते थे कि मतलब जान से मार डालेंगे, जान से, हम सोचते थे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 14 जून को 3 बजे मौका देख के मौके बारदार 3 से 4 के बीच में उन्होंने गला घोट के मार डाला। मैं बाजार के बाजार से पास में ही थे, सब्जी लेने लगी। फिर ये हुआ कि हम पुलिस वालों को गए मुकदमे के लिए गए, उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा चौकी में, और फिर हम थाने में गए, थाने में हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया, फिर हार के हमने उसमें कोर्ट में डाल दिया मुकदमा अपना। कोर्ट के जरिए से हमारा 21 तारीख को, अभी अगस्त की 21 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया। कब उसको मार दिया गया था? जून की 14 तारीख। जून बॉडी कब आपने शिकायत करी अधिकारी, बॉडी कैसे मिली जी? अब हमने कोर्ट से इजाज़त लेके और सबसे कह के तो हमने अब बॉडी निकलवाई। पुलिस ने कौन सा थाना लगता आपको? थाना हमारा थाना बाजरी। कहाँ की रहने वाली है? हम इजाजनगर गोटिया। इनका कब्रिस्तान का दो दिन वाली जी साइज का भी घर बराबर में ही है, मुलजिम के भाई उनका घर, उनके एक मुलजिम का भी जावेद का घर भी बराबर में है, मुलजिम वो है नाजिम उसका भी घर बराबर में, रेहान का घर के पीछे से घर है। हम इन लोगों के संग में घिरे हुए हैं। मारा किस किसने? मारा रेहान, जुनेद, जावेद, नाजिम, गला घोट के मार डाल के उसको लटका दिया। कोर्ट के आदेश से आपकी बॉडी निकाली गई? जी पुराना कब्रिस्तान, नए कब्रिस्तान से। कहाँ पे? इजाजनगर गोटिया। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के कोटा में गणेश महोत्सव के तहत कोटा शहर समेत हाड़ौती में धर्म ध्यान की बयार बह रही है। गणेश महोत्सव आयोजन मंडलों की ओर से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां दादाबाड़ी अग्रसेन कॉलोनी में सजाए गणपति के दरबार में श्रद्धालुओं का आना जारी है। दादाबाड़ी में गणपति नव युवक मंडल की ओर से मनाए जा रहे गणेश महोत्सव के तहत भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। महिलाओं ने गणपति का गुणगान किया। यहां नगर निगम की पार्षद प्रतिभा गौतम ने गणपति का पूजन किया। महिलाओं के लिए थाली सजाओ प्रतियोगिता भी कराई गई। उधर कृष्ण मुरारी गौशाला समिति की ओर से एसी वाले गणेश जी मंदिर में लाल बाग के राजा की 108 श्रद्धालुओं ने आरती की। समिति अध्यक्ष ने बताया कि यहां कार्यक्रम हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धि विनायक श्री गणेश नव युवक मंडल की ओर से कैथुनी पोल में गणेश महोत्सव जारी है। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के हल न किए जाने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष ठाकुर एमपी सिंह और महामंत्री जयपाल सिंह पटेल के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना नगर निगम कार्यालय परिसर में दिया और सरकार की उदासीनता पर रोष प्रकट करते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनेक बार
समस्याओं के निराकरण के लिए अनुरोध किया जा चुका है और अनेक बैठकें भी की जा चुकी हैं, लेकिन सरकार निकाय कर्मचारियों की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। इसीलिए आज नगर निगम में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरने पर निकाय कर्मचारी चले जाएंगे। 21 सितंबर को लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के अनेक निकाय कर्मचारी भाग लेंगे। अपनी प्रमुख मांगों में निकाय कर्मचारियों ने केंद्रीय सेवा संवर्ग के नियमावली में संशोधन करने और आपत्तियों का निस्तारण करने की मांग की है। जयपाल सिंह पटेल, महामंत्री नगर निगम कर्मचारी संघ। मित्रों, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे हम लोग जो है प्रदेश स्तर पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे 13 सूत्रीय मांग पत्र हम बार बार शासन को निर्देशित कर रहे हैं और हम दे रहे हैं उन्हें, उसके बावजूद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उसी के क्रम में ये धरना रखा गया है। अगर इसके बाद भी कोई धरना प्रदर्शन में हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तो हम लोग GPO पार्क में लखनऊ में 21 तारीख को पूरे नगर निगम जो है धरना देगा पूरे प्रदेश का। मैं ठाकुर मिशन पाल सिंह, अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ बरेली। हमारे महासंघ द्वारा आयोजित ये 13 सूत्रीय मांग पत्र जो प्रदेश स्तर पर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मांगे पुरानी पेंशन बहाल करना, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य न कराकर नगर निगम के भर्ती करके कर्मचारियों द्वारा सारा कार्य कराने के लिए, पुरानी पेंशन के साथ साथ जो हमारे पुराने और देय हैं उनको भुगतान कराने संबंध में महासंघ द्वारा हमें निर्देश मिला है कि आज के लिए गेट मीटिंग पूरे प्रदेश के समस्त निकाय में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उनमें किया जा रहा है। अगला चरण हमारा 21 सितंबर को शुरू होगा, जिसमें हम लखनऊ पे नगर निगम के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो, और उसके पश्चात भी नहीं होती हैं तो, कार्यबंदी जैसे आगे कदम उठाए जाएंगे, जो कि हमारे महासंघ के माननीय सतीश मिश्रा जी द्वारा निर्देश होगा। उस अनुसार हम समस्त लोग उनकी अगुवाई में सारे आंदोलन, धरना या हड़तालें करेंगे। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। विधायक अरविंद गिरी की अंतिम पर दोनों तरफ खड़े लाखों लोगों ने हर लोकप्रिय विधायक अरविंद गिरी को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह भी अंत्येष्टि के समय मौजूद रहे। जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी 139 गोला विधानसभा में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक लोकप्रिय अरविंद गिरी का कल सुबह लखनऊ जाते समय सीतापुर के आगे सिधौली के पास हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। जैसे ही यह खबर गोला पहुंची, लोग हतप्रभ से रह गए। पलक झपकते ही समूची विधानसभा क्षेत्र से लोग अरविंद गिरी के फार्म हाउस पर पहुंचने लगे। कल जैसे विधायक जी का पार्थिव शरीर गोला पहुंचा, लोगों का हुजूम विधायक जी के फार्म हाउस पर पहुंचने लगा। आज सुबह लगभग 11:30 बजे प्रदेश भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह जी हेलीकॉप्टर से पहुंचकर अंत्येष्टि में शामिल हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जनप्रिय विधायक अरविंद गिरी को समाधिस्थ कर विधि विधान के साथ अंत्येष्टि संपन्न की गई। कई भाजपा विधायक, प्रशासनिक अधिकारी भी अंत्येष्टि में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत उनके परिवार को दें और सिद्धे अरविंद गिरी जी को अपने चरणों में स्थान दें। सिद्धे गिरी जी ने हमेशा एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लखीमपुर जनपद के लिए, प्रदेश के लिए काम किया। कल ही पता चला है कि वो गोला गोकर्णनाथ जी में जो बाबा भोलेनाथ का मंदिर है उसके कॉरिडोर को निर्माण करने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि हमेशा वो कार्य में लगे रहते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शांति दें और लखीमपुर जनपद में और आसपास जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, अनुयायी हैं, सबको इतनी ताकत दें
कि वो असहनीय पीड़ा को सह सके, और मैं पूरे परिवार को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमेशा सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। अरविंद जी भले ही हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन उनके जो बचाए हुए कार्य हैं, बताए हुए रास्ते हैं, उनको पूरा करने का काम उनके अनुयायी और हम सब मिलकर के करेंगे। बहुत महाराजगंज जनपद के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय करमहा में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात शिव कुमार विश्वकर्मा ने सूदखोरी से परेशान होकर रविवार रात को आत्महत्या कर लिया था। वहीं शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का जिक्र किया गया था। वहीं आज इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल मृतक प्रधानाध्यापक शिव कुमार विश्वकर्मा के परिजनों से मिला और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हम स्वयं हैं रामासे विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, पूर्व मंत्री अनिल लक्ष्मीकांत निषाद पप्पू और ये जो है जिला अध्यक्ष आमिर खान और समाजवादी पार्टी के जनपद महाराजगंज के संगठन के प्रभारी महेंद्र चौहान, ये हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ आए, परिवार से मिले, परिवार से हमने बात की, मृतक शिव कुमार विश्वकर्मा की 4 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बेटे हैं और 2 छोटी बेटियां हैं जो अभी पढ़ रही हैं, बहुत कम उम्र की हैं। शिव कुमार विश्वकर्मा एक सीधे साधे अच्छे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे। घर की आवश्यकता या किन्हीं कारणों से उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो यहाँ के एक व्यक्ति से, जिसका नाम तेज प्रताप सिंह है, उससे 2 लाख रुपए लोन लिया। 2 लाख रुपए लोन का उन्होंने अदा कर दिया, लेकिन ब्याज के रूप में 2 लाख की जगह 7,56,000 रुपए यहाँ के तेज प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने उनसे वसूल किया और आगे भी और पैसे देने के लिए बार बार टॉर्चर करता रहा, कभी मानसिक टॉर्चर और कभी शारीरिक टॉर्चर। एक दूसरे व्यक्ति हैं रविंदर सिंह हैं, उनसे 20,000 रुपये लिया और 20,000 रुपये के कर्ज चुकाने में अब तक 2 लाख उनको दे चुके हैं, वो भी रोज धमकी दे रहे थे। एक तीसरे व्यक्ति हैं रानू सिंह हैं, उनसे 35,000 रुपये लिया, 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा वापस कर दिया। हमें नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितना भी अगर 100% ब्याज भी लगाइए तो भी इतना पैसा नहीं होता जितना अपराधियों ने इनसे वसूल कर लिया। और घटना के दिन सवेरे से ही इतना टॉर्चर किया, वसूली के लिए बार बार आते रहे कि शिव कुमार विश्वकर्मा निराश होकर के स्कूल में उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है।
राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। पूरा मामला है जिला लखीमपुर खीरी के हिदायत नगर मोहल्ला ग्राम सुआगाड़ा का, जहां पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। रोड़ी की जगह मलवा का किया जा रहा है प्रयोग, जो कि मानव के विपरीत है। शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहता है लगातार सुर्खियों में, उसके बावजूद भी नहीं हो रही कार्यवाही। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। मैं मासू कली, आप देख रहे हैं डीबी भारत समाचार। लखीमपुर खीरी के इस वक्त सुआगाड़ा ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं, जो कि ये मस्जिद पड़ोस में। आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप ये रोड बनाई जा रही है जो कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस से बनाई जा रही है, जो कि ये मानक के अनुसार नहीं बनाई जा रही है। इसके अंदर जो रोड़े डाले गए हैं वो रोड़े जो किसी कहीं रोड टूटी तोड़ी गई थी, उस रोड के रोड़े इसमें नीचे डाले गए हैं। उसके बाद में एक इंच की गिट्टी जो पत्थर वाली डाली जाती है वो बाद में डाली गई है, और जो रोड़े इसके नीचे डाले गए हैं कहीं के ला करके रोड टूटी हुई थी, रोड़े डाले गए जो कि मानने के अनुसार नहीं बना जा रहा। आपको हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए ये रोड़ा पड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये वाले रोड़े रोड वाले डाले गए हैं, जो कि यहाँ की जनता भी हमारे साथ में, हम इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से इसमें रोड बनाई जा रही, मानने के विपरीत बनाई जा रही या मानने के अनुसार बनाई जा रही। जी बता बताइए, क्या नाम आपका है, कहाँ रहते हैं? ये जो रोड बनाई गई है तो किस हिसाब से बनाई जा रही है? ये तो डाल रहे पत्थर बनाई जा रही, नीचे पत्थर डाल दिया, ये थोड़ा डाला। इसके नीचे जो रोड़ा डाला गया मलवा टेप का डाला गया है, उस पर क्या कहना आपको? डाला तो है मलवा टेप का डाला गया, बाकी बाद में पत्थर कहीं रोड टूटी हुई थी वहाँ से उठा के ला के डाला गया है। तो अगर मलवा आया है तो वही पड़ा है, जिससे जिस तरीके से पत्थर पड़ा हुआ ऊपर से ये पत्थर पड़ना चाहिए था, तो पत्थर के जगह पे वो डाला गया रोड़ा मलवा है। हाँ तो डाला है, काम आगे बढ़ाएंगे तो होगा काम, और जो पड़ा है तो सामने देख देख ही रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है मलबा जो पड़ा हुआ है। चलिए और भी हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे। जी भैया, क्या नाम आपका है, कहाँ रहते हैं? अच्छा, इस रोड में जो मलबा डाला जा रहा है उस पर क्या कहना आपको? इसमें मलबा डाला गया, वही तोड़ फोड़ का है, टूट कहीं से रोड टूटी थी वही उठा के लाए हैं, यही लग रहा है। नहीं, कुछ तो पत्थर है, कुछ पत्थर ऊपर से डाला गया है। यहाँ के ग्रामवासियों ने बताया कि यहाँ जो मलबा डाला गया था उसके ऊपर से पत्थर डाला गया, लेकिन कुछ पत्थर डाला गए हैं पूरी तरीके से पत्थर नहीं पड़ा हुआ है, जो कि मानक के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। कम से कम ये हिदायत नगर और सुआगाड़ा दोनों में पीडब्ल्यूडी से रोड बनाई जा रही है। आपको हम दिखाएंगे भी कि जो मलबा पड़ा हुआ है उसके भी फोटो दिखाएंगे साथ में। डीबी भारत समाचार के लिए मासूक अली, लखीमपुर खीरी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर।
मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।